कोर्ट ने आज दो बड़े फैसले दिए। करीब 15 मिनट के अंदर देश के सामने ये फैसले आए। इन दो बड़े फैसलों में ये क्लियर कर दिया गया कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्या है और महाराष्ट्र में सरकार कौन चलाएगा। दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत क्लियरिटी है, लेकिन महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी रोमांचक हिंदी फिल्म की तरह कई छोटे बड़े घुमावदार मोड़ हैं। जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा में आगे अगले पल क्या होने वाला है ये पता नहीं होता, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फंसे हुए हर सवाल के अलग अलग जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट फैसले में कुछ डायलॉग्स भी हैं, नसीहतें भी हैं, सहानुभूति भी है और गुस्सा भी है। साथ ही साथ समस्या को न्यायपूर्ण तरीके से अपनाकर जड़ से खत्म करने के लिए भविष्य से उम्मीदें भी लगाई गई हैं। इसलिए आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए दोनों ही खबरों पर सत्ता की डिटेल कुंजी तैयार की है, जिसे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी खबरें आपकी समझ को बढ़ाती हैं और सत्ता आपकी समझ और जानकारी बढ़ाने वाला शो है, आपका ज्ञानवर्धन करने वाला मित्र है, तभी तो हम आपको न्यूज मित्र कहते हैं। तो पहले महाराष्ट्र के फैसले से शुरुआत करते हैं। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि बगावत करने वाले 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। इस पर आज फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग अलग किरदार तय किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले किरदार शिवसेना के बागी विधायक हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानसभा के अंदर मुख्य व्हिप कौन होगा यह पार्टी तय करेगी, ना कि विधायक तय करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल पर कहा कि गवर्नर ने संविधान के हिसाब से काम नहीं किया, विधायकों ने अपने सीएम के खिलाफ विद्रोह किया था जिसे सुलझाने के लिए प्रोटेस्ट कराना सही नहीं था, पार्टी का झगड़ा सुलझाना राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल के पास उद्धव ठाकरे सरकार के अल्पमत में होने का कोई सबूत नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देना तर्कसंगत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तीसरे किरदार उद्धव ठाकरे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट के इस्तीफा दिया, इसलिए उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, उन्हें दोबारा बहाल नहीं कर सकते हैं। इस फैसले के बाद आपके मन में कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार का अब क्या होगा? जवाब है, एकनाथ शिंदे के लिए राहत वाली बात है, वो सीएम बने रहेंगे, उनकी सरकार को फैसले से कोई खतरा नहीं है। दूसरा सवाल, शिवसेना के जिन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गई थी उनका क्या होगा? जवाब है, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार स्पीकर को दे दिया। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्थिति में तुरंत तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे और उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ नैतिक विजय की ट्रॉफी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने घुमावदार फैसले में जो बात बहुत क्लियर कर दी कि एकनाथ शिंदे को वो हटा नहीं सकते और उद्धव ठाकरे को दोबारा सीएम बना नहीं सकते। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एकनाथ शिंदे के जो गुट है उसकी बगावत को गद्दारी कहा, जबकि इसके तुरंत बाद मीडिया से बात करने आए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और सत्य की जीत होने का दावा किया।